हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो पार्टी मेकअप के ऊपर है। जैसे कि आप जानते हैं, वेडिंग सीजन चल रहा है तो ब्राइड मेड्स जो होती हैं वो भी मेकअप कराती हैं, तो उनके ऊपर ये वीडियो है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्लिंजिंग टोनिंग हो चुकी हुई है तो हम लोग मॉइस्चराइजिंग कर लेंगे। अच्छे से मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्बेशन करेंगे स्किन के अंदर। नेक पर भी मॉइस्चराइजर को अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि नेक पार्ट भी आपको पता है शो होता है कपड़ों में से, नेक और शोल्डर्स। तो जहाँ तक आपको फाउंडेशन की एप्लीकेशन करनी है वहाँ तक आप मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद मैं डायरेक्ट कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। मैं करेक्टर का यूज़ अभी नहीं कर रही, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है, मेरे को थोड़ा सा डार्क सर्कल को हाइड करना है, इसलिए मैं टार्ट ब्रांड का कंसीलर ले रही हूँ और उससे मैंने जो डार्क सर्कल है उस पर थोड़ी सी कंसीलिंग कर दी है। इसके बाद मैं फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर रही हूँ, जो कि फॉरएवर 52 का कस्टर्ड फाउंडेशन है। अच्छे से नेक पर भी लगा देंगे फाउंडेशन को। और बहुत अच्छे से हम प्रोडक्ट को ब्लेंड करेंगे फेस के ऊपर, ताकि सब जगह एक सा हमारा जो फाउंडेशन है वो बेस लग जाए। और याद रखेंगे, ईयर्स पर भी हम लोग और नेक को भी पूरा कवर करेंगे, ताकि सब जगह हमारा जो बेस है वो एक सा लगे। इसके बाद मैं लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, तो इससे हम लोग जो फाउंडेशन है उसको सेट कर देंगे। हम कोई कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि ये पार्टी मेकअप है तो इसको आप लोग बिल्कुल लाइटली ही रखेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा वर्क आपको नहीं करना। इस तरीके से हम लोग ब्लेंड करते जाएंगे फाउंडेशन को, उसके ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन करते जाएंगे। एक बार पाउडर ज़्यादा लगता है, लेकिन हम लोग जब इसको हटा देते हैं तब ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर, स्किन जैसा ही लगता है। तो इस तरीके से आप पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे अच्छे से, नेक पर भी लगाएंगे। इसके बाद मैंने इसको फिक्स कर दिया, क्योंकि ये करना जरूरी स्टेप है, तो आप बेस को फिक्स कर देंगे मेकअप फिक्सर का यूज़ करके, जो कि मैं स्मैश बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर ले रही हूँ एक नंबर, जिसको मैं आईलिड पे लगा रही हूँ एज अ बेस, और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर से, स्मॉल वाले ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से लगा दूँगी सब जगह पर, ताकि ये ब्लेंड किया हुआ लगे ऐसे मतलब हर जगह हम लोग इसको अच्छे से लगाएंगे। एकदम ब्लेंडेड होना चाहिए अपना ये भी जो आई बेस हम लोग लगा रहे हैं। और इसके बाद भी हम थोड़ी सी पाउडर की एप्लीकेशन कर देंगे, ताकि जब हम लोग आई शेड्स का यूज़ करें तो वो अच्छे से ब्लेंड हो सके, चिपक ना जाए। तो इस तरीके से हम लोग हल्का हल्का सा पाउडर लगा देंगे। अब मैं आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ। जो कि जेल आईब्रो डिफाइनर है।
ब्रो डिफाइनर को सेट करेंगे मस्कारा ब्रश से। अगर आपको अनइवन लग रहा है तो उस एरिया को आप लोग ब्लेंड करेंगे। कोई भी स्मॉल ब्रश ले लीजिए, उससे आप लोग अच्छे से जो लाइन वगैरह है उसको ब्लेंड कर दीजिए। अब हम लोग आई शेड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि मैं पिंक कलर का आई शेडो ले रही हूँ। लाइट पिंक है एकदम से, इसको मैं पूरे पे अप्लाई करके और अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। क्योंकि आई मेकअप है, आपको बहुत ज़्यादा काम इसमें भी नहीं करना, और क्योंकि ये पार्टी मेकअप है तो इसलिए थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे मेकअप आप। तो अच्छे से आप सिंगल कलर लेके उसको ब्लेंड कर दीजिए, आई लिड पर भी लगा दीजिए और अपर साइड में ब्लेंड कर दीजिए। यही क्रीज लाइन से ऊपर तक ले जाएंगे। अब मैं सेंटर में कोई भी, आप लोग क्या लेंगे, शिमर आई शेडो ले लेंगे जिसमें ग्लिटर्स होंगे। ग्लिटर वाले आई शेडो को आप सेंटर में अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा पास में से लेकर अप्लाई कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंगल दो कलर से हम लोग इसको बना देंगे आई शेडो को। और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना, लाइट रखेंगे। इसके बाद मैं हुडा ब्यूटी की जो आई शेडो पैलेट है उसमें से मैंने ये वर्क किया है। अब उसके बाद मैं जो आउटर कॉर्नर है उस पर थोड़ा सा ब्राउन शेड से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि थोड़ा सा शेप की आई की जो शेप है वो अच्छी दिखे। इसलिए थोड़ा सा डार्क शेड लेके, जो कि मैंने ब्राउन लिया है इसमें से ही, उसको मैं ब्लेंड कर दूंगी। बिकॉज़ इनकी ड्रेस में थोड़ा ग्रीनिश है, तो मैं फॉरएवर 52 का ये लिक्विड जो अपने पास आई शेडो है, इसको सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ग्रीन इफ़ेक्ट आए। तो इसको आप हमेशा फिंगर से लगाइए, क्योंकि इसको ब्लेंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ब्लेंड नहीं होता। तो आप लोग फिंगर से लगाएंगे, एकदम ज़्यादा भी नहीं लगेगा। अगर आप बिना फिंगर के ऐसे ही लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये एक ही जगह पर लग जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको लगाते समय, ये जो लिक्विड आई शेडो है इनका, इसको आप लगाते समय फिंगर से ही लगाइए, थोड़ा थोड़ा लेकर और ब्लेंड करते जाइए। अब मैं इनके लिए लिक्विड लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं मैबलिन ब्रांड का मस्कारा लेके इनकी आईज़ पर मस्कारा की एप्लीकेशन कर रही हूँ। जो भी ब्रांड्स आप अपने ब्राइडमेड्स या पार्टी मेकर मेकअप के लिए रख रहे हैं, उसी ब्रांड से आप लोग पार्टी मेकअप करेंगे। आईलैशेस को लगा रही हूँ मैं, जो कि बिल्कुल लाइट वेट और बिल्कुल हल्की सी लैशेज हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हैं। तो लैशेस को लगा के हम लोग अच्छे से आपस में जॉइंट कर देंगे इनको। ज़रूरी नहीं है आप लोग अपने पार्टी मेकअप में लैशेस का यूज़ करें, आप चाहें तो अच्छा मस्कारा कर दीजिए, कोई हैवी मस्कारा जिससे लैशेस बड़ी दिखे, तब आप लोग लैशेस का यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं अपने मेकअप में तो आप लैशेस का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं लिप लाइन करूँगी। इसके लिए मैं कलर बार का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। और जैसा कि मेरी क्लाइंट की इच्छा है डार्क रेड लगाने का, तो मैं इनको रेड कलर का ही जो लिप कलर है वो लगाऊंगी। लिप कलर भी मैं मैबलिन ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ।
हल्की सी मेरे को जैसे लग रहा है कि मेरे को नोज़ पे कंटूरिंग करनी चाहिए, तो मैं पाउडर कंटूर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको नीड लगे कंटूर करने की तो आप भी कंटूर कर देंगे। हल्का सा मैं कंटूर कर रही हूँ। पाउडर कंटूर का यूज़ करेंगे जो कि मेरे पास मेकअप स्टूडियो ब्रांड का है। इसके बाद मैं के ब्यूटी का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इनके काजल का यूज़ कर रही हूँ जो कि ग्रीन कलर का है। थोड़ा ड्रेस की मैचिंग का हो जाएगा, इसलिए मैंने ग्रीन जो जेल लाइनर है मेरे पास उसका यूज़ कर रही हूँ मैं आईज़ के लिए। इस तरीके से लास्ट में जेल लाइनर मैं लगा रही हूँ और उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी थोड़े साइड पे, ज़्यादा ज़्यादा लगा के। हम लोग जो लास्ट है ना उधर थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे और फिर ब्लेंड करेंगे। बाकी पूरे में मैंने एक बार लाइन कर दी है, एंड्स पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा के इसको ब्लेंड कर दूँगी। तो इस तरीके से जो हमारा मेकअप है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। थोड़े से हम लोग हाइलाइटर का यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा हाइलाइटर का यूज़ करेंगे जो हमारा हाइलाइटिंग एरिया है वहाँ पर, और अच्छे से जो प्रोडक्ट्स हमारे लगे हुए हैं उसको हम लोग एक फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। इस तरीके से जो हमारा पार्टी मेकअप का वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।